के आधार आत्म संबंधी वाला सुंदर साहब जी साथियों आओ, अब जरा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध जिसमें 90 अध्याय हैं, 35 अध्याय तक ब्रज की लीला है, फिर रास लीला का वर्णन है और फिर कुछ अध्याय रास के बाद की लीला का है। तो चलिए जरा मथुरा में चलें, जहां वसुदेव और देवकी बंध में है और चतुर्भुज स्वरूप वैकुंठ के नाथ स्वयं आकर शंख गदा चक्र पद्म धारण किए हुए दर्शन देते हैं। वसुदेव और देवकी दर्शन तक भी नहीं कर सके क्योंकि पूर्ण स्वरूपों का सूक्ष्म का जिनका मैंने पहले भी वर्णन किया, उनकी कृपा के बिना दर्शन भी ये आंखें नहीं कर सकती। उनका तेज इतना अधिक होता है कि आंखें चुंधिया जाती हैं, जैसे बहुत हाई पावर का बल्ब यहाँ कोई लगा दे तो उधर हम और आप नहीं देख सकते, और उनका तेज तो और अधिक था। तो दोनों समय तो गए, प्रार्थना करते हैं चरणों पे गिर के कि हे प्रभु, हम तो नीच दुष्ट पापी लोग इस कारागृह में पड़े सड़ रहे हैं, ये कौन से जन्म का हमारा अवभाग्य है कि आप साक्षात दर्शन दे रहे हैं। अगर कृपा की है इतनी कृपा और करो कि हम आपके दर्शन कर सकें। तब उन्होंने अपने तेज को कम किया, बिल्कुल श्रीमद् भागवत का एक एक शब्द बता रहा हूं जिसको संशय भागवत खोल के पढ़ सकता है। चरणों पे गिर के प्रार्थना करते हैं, तब उन्होंने याद कराया कि 3 बार मैं पहले भी तुम्हारे 2 बार घर जन्म ले चुका हूं और अब पूर्व जन्म में तुम्हारे घर संतान नहीं थी, तुम चक्रवर्ती राजा थे, तो राजपाट को छोड़कर संतान के लिए वन में चले गए और मेरे नाम की तपस्या किया, तो तुम्हारी निस्वार्थ प्रेम उस तपस्या पर प्रसन्न होकर मैंने दर्शन दिया और पूछा, बोलो बेटा क्या चाहते हो, किस लिए याद किया है? तो तुमने मेरे स्वरूप को देखा और तमन्ना जाहिर की, इच्छा प्रकट की कि प्रभु चाहना तो बहुत थी कि 10-20-50 पुत्र मांगेंगे, पर आपके दर्शनों से तृप्ति हो गई, अब एक ही बेटा चाहते हैं पर तुम्हारे जैसा होना चाहिए, जैसे तुम्हारा स्वरूप है ऐसा ही पुत्र चाहिए हमको, तथास्तु। अब वो याद दिलाते हैं कि वो जो मैंने तुम्हें वर दिया था तथास्तु का, अब मैं तुम्हारे घर, भाई जरा बातें बंद प्लीज, ये विषय कुछ और है, बातों वाला नहीं है, नहीं तो मैं टोकता नहीं, ध्यान देना जरा ब्रेक लगाकर इधर एकाग्रचित होके कि मैं तुम्हारे घर जन्म, बोलो बोलो, लूंगा। जिसको संशय हो श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद खोल लेना। अब जरा बताइए, जो जन्मता है वह अवश्य बोलते चलोगे तो ठीक रहेगा, जरा आपको फिर भारी नहीं लगेगा। और शास्त्र कहते हैं जो जन्मता और मरता है वो परमात्मा होता, तो हम उसको क्या मान रहे हैं? अब आत्म तत्व का ज्ञान आपके सामने रखने जा रहा हूं, श्रीमद् भागवत में है क्या, क्या किसी ने आज दिन तक यह दर्शाया? हम किसकी पूजा में लगे हैं? और वो क्या कहते हैं कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो है वो जो एक है वो जन्म और मरण से परे है। और ये क्या कह रहे हैं? भागवत पढ़ो, हम नहीं कह रहे, भागवत कह रही है। डोंट थिंक अदरवाइज, सो जिससे आपके मन को कष्ट ना हो, भागवत पढ़िए, संशय मिटाइए। कह रहे मैं तुम्हारे घर जन्म लूंगा और फिर क्या करना,
संक्षिप्त में, क्योंकि अगर तो 7 दिन की भागवत का सार होता तो किसी और रस से ब्यां करता, पर समय भी मजबूर कर रहा है, कुछ पहले प्रोग्राम के कारण से लेट हो चुके हैं, तो ध्यान दीजिए, बहुत शॉर्ट में कहने का प्रयास करूंगा। मेरी माया की शक्ति नंद के घर लड़की का रूप धारण करेगी और ये सारे तुम्हारे बंधन टूट जाएंगे जब मैं तुम्हारे घर जन्म लूंगा। तो मुझे वहां पहुंचा देना और उस लड़की को इधर ले आना, बाकी काम सब हो जाएगा। ये कहकर सारा बताकर उनके देखते ही देखते अदृष्ट हुए और दर्शन दिए चतुर्भुज स्वरूप ने, और बालक जन्मा दो भुजा था। इसमें भेद हैं, कुछ और विस्तार है, लेकिन वो आज नहीं बता पाऊंगा। जब आप फिर याद करोगे अवश्य सुनाएंगे। ऐसी बात नहीं कि कुछ छुपा के रखूंगा। बात जन्म हुआ, वो ये ताले टूट जाने, जो सृष्टि के नाथ हैं एक पलक में सृष्टि का प्रलय करते हैं, तो ताले वाले टूट जाना और ये सब कोई बड़ी बात नहीं थी, हुआ। अब ध्यान के साथ, जब जन्मे तो सब देवी देवता, आखिर वैकुंठ के नाथ 16 कला संपूर्ण जन्म ले रहे हैं, पुष्प बरसाते हैं मथुरा के ऊपर और मंत्र का उच्चारण करते हैं, नमो नारायण भगवते वासुदेव, जिसका आज हमारे वो हिंदू लोग, हमारे साथी जो कृष्ण के उपासक हैं, इस मंत्र का भी जाप करते हैं। अब आइए, नाम मथुरा में क्या दिया गया, वासुदेवाय नमः, भगवान वासुदेव, और उनके पिता का नाम वसुदेव है, एक केवल आ की मात्रा का अंतर है, इसको जरा ध्यान रखना, उल्टा ना कह देना कभी। पिताश्री का नाम वसुदेव है और उनका नाम वासुदेव, नारायण स्वरूप भगवान का जन्म पहुंचा दिए, लड़की ले आए। अब रो तो कंस की बात है, बाद में फिर यदि कभी समय मिला, आप लोगों ने चाहा तो चंदू भाई जी को, महेश भाई जी को याद कर लेना, मैं आपके चरणों में आ जाऊंगा, घबराओ मत। उसके बाद क्या होता है, इस दिन अब जरा भागवत के कार जब फिर आए तो प्रश्न पूछना कि महाराज प्रातः जब उठे सारे ब्रिज वाले गोकुल वाले तो नंद जी को बधाइयां देने के लिए आए, क्योंकि वो प्रमुख थे, तो प्रमुख होने के कारण से वडिल के सामने तो सब लोगों को जाना पड़ता। आए तो ब्रिज और गोकुल के अंदर कुआरी कन्याएं हती जो 16 श्रृंगार सजती हैं, जबकि हमारी हिंदू संस्कृति कहती है कि एक कुंवारी कन्या तब श्रृंगार करती है जब उसको अपने पति के पास जाना। अब वो कुंवारी कन्याएं जिनकी एज 16 साल 16-14 यंग ब्लड हैं, और ये कृष्ण अभी प्रातः 8 घंटे का है, तो क्या रिलेशन है इनका? जिस कृष्ण को इष्ट मानते हैं, क्या उनके रहस्य को भी कभी जाना कि ये कौन है? ये भेद व्यास जी नहीं बता सके, क्यों? ये भेद कलयुग में है। कौन आता है उस रात्रि को जिसको गोकुल अष्टमी अब मनाते हैं? जो पहली अष्टमी को मनाते हैं वो व्रत रखते हैं, लेकिन गोकुल अष्टमी मनाने वाले व्रत नहीं रखते। इसका भी तो कोई भेद होगा। जो पहले अष्टमी मनाते हैं 12 बजे तक की, तो वो क्या करते हैं, सारा दिन व्रत रखते हैं। किस लिए? कि आज हमारे भगवान बोलते, चलो भाई मैं भी थोड़ा थोड़ा आपके साथ सांस लेता चलूं ना, संकट में भगवान संकट में हैं। अरे भाई व्रत क्यों रखा है? कि हम भगवान के संकट को, बोलो भाई संकोच न करो, करते हैं तो फिर बोलने में क्या है, भगवान के संकट हरण कर रहे।
तो जिस भगवान के संकट हम हरण कर रहे हैं वो हमारा का क्या करें? सोचिए, करना वही जो आप कर रहे हो, मैं मना करने नहीं आया। थिंक ओवर इट कि हम राइट वे पे चल रहे हैं कि रॉन्ग वे पे, क्योंकि यूएसए में तो डायरेक्शन ही गलत हो गई तो शायद कहीं का कहीं रूट हो जाएगा। फिर तो इंडिया से आ जाओ, कोई घबराने की जरूरत नहीं, डायरेक्शन और डेस्टिनेशन हो गया। अब सोचो हमारी डायरेक्शन कहाँ है और डेस्टिनेशन क्या है। पहली तो डायरेक्शन कहाँ गलत है कि हमने उसको परमात्मा मान रखा है जो जन्मता और मरता है, तो जो स्वयं जन्म और मरण के अंदर है वो कभी भी हमें भवसागर से पार कर सकता ही नहीं। अब आगे बढ़ते चलिए। अब वो गोपियां कौन हैं जो 16 श्रृंगार करके जो है आती हैं? साथियों, उस समय ये ज्ञान नहीं, व्यास जी ये बात राजा परीक्षित को नहीं बता सके। अब वो शक्ति प्रकट होती है गोकुल ब्रिज में आने के बाद, क्योंकि परमात्मा जन्मता मरता नहीं, वह शक्ति आकर के प्रकट होती है जो अभी हमारी प्रीति बहन जी ने बोल के बताया, प्रगट पूर्ण ब्रह्म प्रगट होगा कलयुग में। यह बात शंकर भगवान जी ने उमा को, अमर कथा भी शब्द आपने सुना होगा, लेकिन उस दर्शन क्या समझते हैं, कैलाश पर्वत पर सुनाई होगी ना, अमरनाथ की गुफा में। जिस अमरनाथ का प्रसंग इधर भी आपने सुन लिया होगा कि साल पहाड़ फटने से हजारों लोग उसी के अंदर मर भी गए, और रहस्य को कोई जानता नहीं कि वो अमर कथा क्या थी। वो यही थी कि वो ब्रिज के उन तनों के अंदर जो आत्माएं आई हुई थी वह जानती हैं कि इस कृष्ण के अंदर हमारा कौन बैठा है। ये भेद था कि वो परमधाम की आत्माएं पहली बार जब ब्रिज के अंदर उतरती हैं तो साथ उनका प्राण ना था कि उस तन में प्रवेश करता है। नहीं तो बताइए, कई लोग क्या समझते हैं कि वैकुंठ के नाथ 16 कला संपूर्ण जो उतरे थे वह केवल भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए आए थे। बिल्कुल गलत बात है। उनकी एक कला की शक्ति इतनी है। अभी एक बहन जी आए थे कि जी आप हनुमान जी के स्वरूप का वर्णन कर सकते हैं। अवर्णीय बातें वर्णन से बाहर होती हैं, सूक्ष्म में बताया जा सकता है कि स्वरूप उनका कितना शडौल्यमयी था। श्रृंगार अवश्य बाजू बंद थे, गदाएं थी, 3 हार भी थे। अब इतने से क्या सेटिस्फेक्शन हो जाएगी? सुनने से दर्शन दर्शन होते हैं, जो शब्दों से बहुत अवर्णीय बातें होती हैं। तो अब ये गोपियां जानती हैं, ना यशोदा जानती है, ना नंद जानता है, ना सारी ब्रिज और गोकुल जानती है, क्योंकि उन तनों के अंदर आत्मा ने प्रवेश किया था। आत्मा ना जन्मती है, थोड़ा बोलते चलोगे तो याद आती जाएगी कभी कभी। आज हम क्या समझ बैठे हैं, जरा सा घर में कष्ट हुआ, अरे भाई क्या करें, आज मेरी आत्मा बहुत दुखी है। आत्मा की भी क्लैरिफिकेशन हम नहीं जानते कि आत्मा तो कभी दुखी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो किसका अंश है जो सत चिद और आनंद सच्चदानंद है, उसकी किरण को नाम आत्मा है। जैसे सूरज और सूर्य की किरण, इसी तरह से आत्मा एव परमात्मा। उठाइए गीता को, ये सारी बातें हैं जो आज दिन तक समझी नहीं। हम झूठ के उपासक चले जा रहे हैं, जो हमारी सत्य आत्मा है, जिसके कल्याण के लिए, भावसागर से पार चलने के लिए यमनस्तन मिला है, उस परमात्मा की खोज की जरूरत ही समझने की आज दिन तक क्यों नहीं हुई? उठाओ ग्रंथों को,
मूल वेद को भी लेते चलते हैं, ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। सत्य सब कोई कहता है पर सत्य को कोई पहचानता भी है कि वो एक कौन है? एक बार आज सारे देखो, कोई परमात्मा को निराकार कहता है, कोई साकार कहता है, कोई कहता नहीं कण कण में है, दूसरा कहता नहीं थल के अंदर है, कोई कहता है पिंड के अंदर है, सबके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। ठीक समझने की बात है, यदि हम सब के अंदर परमात्मा की शक्ति किरण रूप से, जैसा शास्त्रों में लिखा है, वेदों में लिखा है कि वो किरण रूप होके सबके अंदर है, तो जब परमात्मा सबके अंदर है तो फिर वेद शास्त्र पुराण गीता किसके लिए? बात गहरी है, समझ नहीं पाए आप? यदि परमात्मा यानी उनके आत्मा का स्वरूप सबके अंदर है तो फिर जगत में कोई अज्ञानी होना चाहिए? नहीं समझे? जब सबके अंदर परमात्मा, आपके अंदर, मेरे अंदर, इनके अंदर, उनके अंदर, सबके अंदर, फिर ज्ञान किसके लिए? तो फिर इसका तो मतलब है जो बैठ के चर्चा सुनाता है, हमें समझाता है, वो समझदार परमात्मा और सुनने वाले। रिजल्ट खुद लिखो ना, मैं नहीं कहूंगा। तो क्या परमात्मा भी मूर्ख होता है? हमें इस तरह से रॉन्ग डायरेक्शन दी जा चुकी है कि हम कभी डेस्टिनेशन पे पहुंचते नहीं। फिर क्या पढ़ा दिया जाता है? अरे परमात्मा तो एक ही है, रास्ते जुदा जुदा हैं, मंजिल तो एक है। ठीक, अगर डेस्टिनेशन हमारा एक है तो डायरेक्शन जुदा जुदा ले लेने से उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे? बोलो तो सही, आप लोग तो इजीली समझ सकते हैं, ये बात शायद इंडिया वाले ना समझ सके, क्योंकि एक ने ले लिया 27 रूट और एक ले लिया 47, एक जा रहा है 69 पे और कह रहे हमारी डेस्टिनेशन एक ही है, वेदर इट इज राइट। और हमें ज्ञान क्या दिया जा रहा है? अरे परमात्मा का सबका एक ही है, रास्ते जुदा जुदा हैं। अरे भाई यदि रास्ते जुदा जुदा हैं तो मंजिल भी जुदा जुदा है, एक नहीं हो सकती। विचार कीजिए, अब जहां जहां पर हम रॉन्ग हो, अगर सत्य के मार्ग पर चलना है, आत्म का कल्याण करना है बगैर परिश्रम के, ये वो कलयुग है, धन धन ये कलयुग है, और धन धन भरत खंड अवश्य लिए है कि उस भारत वर्ष के अंदर वो शक्ति का प्रकट होना जो कलयुग में लिखा था हो गया। पर आइए पहले श्रीमद् भागवत के ब्रिज की लीला को लेकर चले, जिसको केवल उन आत्माओं ने, गोपियों ने जाना, बाकियों ने कुछ नहीं जाना। इसलिए वो श्रृंगार इस तन का भी करके आई थी कि ये हमारी आत्मा के प्राणनाथ इस तन में आए हैं। जब गोकुल में आ गए तब आत्म अक्षर और शक्ति अक्षरा 30 के उस तन में प्रवेश करती है, उसके प्रमाण अभी लीजिए। क्यों? नया ज्ञान आप सुन रहे होंगे तो सोचेंगे जी ये तो आए दिन तक भागवत वाले किसी ने बताया नहीं, उनको पता ही नहीं तो बताएंगे कहां से। इनके भेद यदि लेने हैं तो अभी किसके द्वारा पता चलेगा? तारतम्येन जानाति सच्चिदानंद लक्षणम्। जब तक तारतम ज्ञान के भेद का नहीं पता चलता तो तारतम के ज्ञान के बिना कोई भी दुनिया के अंदर सच्चिदानंद के स्वरूप की पहचान करा सकता नहीं। और चलिए अब गीता से भी इस बात का प्रमाण ले लें कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। तो अर्जुन को क्या कहा? अर्जुन दो शक्तियां होती हैं, एक परा और दूसरी अपरा। अपरा शक्ति जो है, ये संसार सारा अपरा शक्ति से बना है, जो हमारे वेद भी कहते हैं और श्रुतियां भी कहते हैं। अपरा क्या है? मिथ्या है। और परा जो है वो जागृत अखंड शक्ति का ज्ञान होता है। जब तक वह दुनिया में नहीं आ जाता तब तक उस सच्चिदानंद के स्वरूप की कोई पहचान करा नहीं सकता, और उस समय नहीं था, कलयुग में ही यह चीज आनी थी। तो आज आप उनकी कृपा से सुन रहे हो,
ये तो मेरे जैसे तो हजारों जन्मते और मरते हैं, पहले क्यों नहीं किसी ने वर्णन किया? बिफोर कलयुग नहीं, एक वस्तु आनी ही कलयुग में है, जो रामायण भी कहती है, राम भगवान स्वयं कहते हैं, कलयुग केवल नाम अधारा और सुमर सुमर नर उतरे पर। कलयुग के अंदर ही पार ब्रह्म स्वयं प्रकट होंगे और वह आकर के अपना नाम, अपना धाम और अपने स्वरूप की पहचान कराएंगे। फिर जो मनुष्य को यह लागनी होगी, तड़प होगी, इच्छा होगी कि रोज रोज के जन्म मरण से छूटने के लिए वनों में जाने की कलयुग में जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके स्वरूप की पहचान कर केवल अपना संबंध जोड़ना और जिस विधि से वो बताते उनका सुमरण करने से प्राणी भव सागर से पार, जन्म मरण से सदा सदा के वास्ते छुटकारा हो जाएगा। वह शक्ति उस कृष्ण के अंदर आई जो सबका एक परमात्मा, उसकी आप प्रमाण लीजिए कि अभी दो दिन के, अब विस्तार से तो मैं क्षमा चाहूंगा नहीं कह पाऊंगा क्योंकि एक कलाक का बाकी समय था कुल, जिसमें 15 मिनट तो बीत ही गए होंगे। शंकर भगवान जी आए, उठाओ श्रीमद भागवत, किस रूप में आए? एक योगी फकीर बनकर भिक्षा मांग रहे हैं, कौन? एक तांडव का पैर अगर शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर मार देते हैं तो 14 लोक का नाश कर देते हैं, भिखारी बन के खड़े किसके लिए? अगर ये केवल विष्णु भगवान हैं, आदि नारायण 16 कला संपूर्ण में है, तो तीनों एक ही स्टेटस के आदमी हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तो वो भिखारी किसके सामने बन के आए हुए हैं? किनके सामने खड़े होकर के शंकर भगवान भिक्षा मांग रहे हैं? ये जो नाम कृष्ण दिया गया है, ये गर्गाचार्य जी ने दिया है, पार ब्रह्म का नाम नहीं, क्योंकि वो नाम तत्व और खट प्रमाण से रहते। ये तो जिस तन में वो प्रवेश किया तो उस तन का नाम जो है कृष्ण अवश्य गर्गाचार्य जी ने रखा, जन्मा कृष्ण नहीं था, जन्म विष्णु। बोलो नमो नारायण भगवते वासुदेव ने जन्म लिया, चतुर्भुज स्वरूप ने ना के कृष्ण ने जन्म लिया। ठीक है, जो भूले हुए हैं वही कृष्ण को भी अक्षरातीत मानते फिरते, माने कोई परवाह नहीं। ज्ञान के बिना अज्ञानता में हर कोई कुछ भी कह सकता है। आइए, शंकर भगवान आए हैं, बाल खुले हैं, कभी भी शंकर भगवान जटाएं नहीं खोलते, विभूति नहीं लगाते, नंद जी के घर खड़े भिक्षा मांग रहे हैं। जब माता यशोदा ने आवाज को सुना, डमरू की आवाज सुना, तो दासी को हीरो का थाल देकर के, श्रीमद भागवत में लिखा है, लेके दासी जाती है कि जाओ बाबा को भिक्षा डाल के आओ। अब दासी जिस वक्त आगे बढ़ी, दर्शन बड़े कठिन है, मैंने एक ही शब्द में आपको कह दिया था, 10 दिन तक मुझे वो फीवर चढ़ा कि मेरी जुबान नहीं खुली और घर वाले घबरा गए कि शायद इनकी डेथ हो जाएगी, सहन नहीं हो सकते वो दर्शन। दासी ने जब देखा वो कैलाश पर्वत नाथ खड़े हुए, हर वह शडौल्य स्वरूप, नीलकंठ सर्पों की माला, वहीं बेहोश होकर धड़ गिर जाती है। खोलिए बात, अब यशोदा जी को चिंता हुई कि दासी को क्या हो गया। आई यशोदा मैया बाहर, देखते हैं उनके स्वरूप को, घबराई लेकिन संभली, फिर दोबारा थाल लाई और पूछा, यशो बाबा आपने इनकार क्यों किया? लो भिक्षा मेरे हाथ से लो। तो शंकर भगवान क्या कहते हैं, हंस पड़े, उत्तर देते हैं, माते यशोदा ये काले पत्थर हमारे किस काम, हीरों को काले पत्थर बता रहे, हम और आप खड़े होते कहते माता यशोदा हमें दे दो डायमंड का हार बना लेंगे, सृष्टि के नाथ हैं, कहते हैं देखिए पॉइंट समझिए कि ये काले पत्थर हमारे किस काम के हैं। तो यशोदा पूछती है,
हे बाबा क्या चाहते हो? कहते तुम्हें नहीं पता, जो तुम्हारे घर लाला आया है ये मेरा जन्म जन्म का मीत है, मेरा स्वामी है, मैं उनके दर्शन कर। अगर कोई श्री कृष्ण को मानने वाला बैठा है, पहचानो इनके अंदर कौन है। नाम कृष्ण के पीछे जाने वाला व्यक्ति कहां ठिकाने लगेगा, वैकुंठ तक आगे नहीं जा सकता। किसको प्रणाम करने आए हैं? अगर नंद जी के घर लड़के को प्रणाम करने आए हैं तो दो बालक पहले भी थे, एक बलदाव जी और एक कल्याण जी, पहले भी तो नंद के लड़के थे, उनको क्यों नहीं प्रणाम पहले करने आया? विचार कीजिए। अब ये राज परमधाम की आत्माएं जानती हैं कि ये जो है इसके अंदर कौन रात को किसने प्रकट हुआ है, किसने प्रवेश किया है। जो पूर्ण ब्रह्म है, जो आत्माओं के स्वामी है, नाथ है। इसलिए वह तन भले वो ब्रज गोकुल के थे, अंदर आत्माओं ने प्रवेश किया है, वो अपने प्राण नाथ को वाला, गुजराती में गाते हैं ना वाला, वाला किसको कहते हैं हिंदी में, जिसको प्राणनाथ कहते हैं, प्रीतम कहते हैं, स्वामी कहते हैं, इस भाव से मिलते हैं। इसी दुनिया में उतरे, क्या किसी और ने पहचाना? भले यशोदा मां थी, मां ने जाना, क्योंकि यदि हमें थोड़ा सा कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाता है, हम क्या चाहते हैं, मेरा भाई भी सीख लेवे, मेरा भाई भी मान लेवे, मेरी बहन भी मान लेवे, मेरे जीजा जी भी मान ले। अरे भाई वो कहां की चीज, ये कहां की चीज। संसार की वस्तु बांटी जा सकती है और आत्म तत्व को आत्म तत्व के दर्द वाला ही जान सकता है कि ये बात कहां की हो रही है। आज पहचानिए मेरे साथियों। फिर अभी अब ब्रज के रस की लीला तो मैं आज नहीं कुछ कह पाऊंगा, जो गोपियों और उनके बीच में होती रहती है। अब 5 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष ब्रिज में आए प्रकट हुए हो गए, शंकर भगवान जी भी आके दूसरे ही दिन प्रणाम फिर कैसे करते हैं। तब यशोदा ने कहा कि बस हे बाबा, और हम दर्शन नहीं करा सकते, तेरे दर्शन कौन कर सकेगा, मेरा नंद लाला देख करके डर जाएगा। कहने लगे मात यशोदा आप घबराइए नहीं, मेरे को दर्शन अवश्य कराओ। फिर डमरू बजाते हैं, अब प्रकृति के तन में बंधे हुए वक्षातीत की शक्ति भी कैसे बोले, प्रकृति का रूप ही बदल जाएगा उसी समय, रड़वा लग गया, रोने लगे। तो यशोदा ने क्या समझा कि मेरा बालक डमरू से डर गया। तो फिर कहते देखो तू डमरू बजा रहा है, मेरा बालक रो रहा है। कहने लगे नहीं, वो रो नहीं रहा, वो मुझे दर्शन देने के लिए मुझे डर कह रहे। तब यशोदा जी अंदर गए, जैसे माता पिता को डर होता है, तो माँ ने खूब एक टॉवल के अंदर उनको लपेटा, हाथ भी लपेटे, हाथ भी, मुंह भी, पग भी, और इतना सा मुख खुला लेके कहने लगे आ ले दर्शन कर ले बाबा। फिर शंकर भगवान जी उदास खड़े, कहने लगे बाबा और क्या लेना है, दर्शन कर लेना, पर अब मुंह के दर्शन, मुख के दर्शन दर्शन नहीं होते, दर्शन तो चरण कमल के होते हैं। अब वो भी समझ रहे हैं, और वो जो अंदर शक्ति बैठी है वो भी समझ रहे हैं कि शंकर भगवान है, कोई दुनिया का भगत तो होता तो इतने में प्रणाम करके चला जाता। तब आप जानते हो कि छोटे बालक जब फीड ले लेते हैं ना तो हाथ पांव मारना शुरू करते हैं, उसी तरह से उन्होंने अपना पग चलाया, टावल वावल एक तरफ हो गया, वो चरण कमल जब बाहर निकले, अब इनका क्या वर्णन जिभ्या से होगा, उन चरण कमलों का या उस रूप का कौन वर्णन करेगा। लिखने वालों ने लिखने में क्या कह दिया कि अति सुंदर। तो जब अति सुंदर कह देंगे तो समझने वाला खुद समझे कि वो स्वरूप कैसे होते। अति सुंदर सत्यस्वच्छ, क्योंकि इस जिब्या से वो स्वरूप नहीं वर्णन किए जा सकते, वो शोभा से परे की बात होती है, जो वैकुंठ तक है, और आगे तो फिर वर्णन करना ही कठिन होता है, ये जिभ्या नहीं कर सकती। आइए, जब चरण कमल बाहर आए
तो शंकर जी के मुखारविंद पर मुस्कान आई। तब जटाओं को लेके चरणों को छुरा रहे हैं, विचारो भाई जो कृष्ण को मानने वाले हैं किसके चरण छुहाए जा रहे, झूठे तन के नहीं, जो शक्ति पारब्रह्म के अंदर प्रवेश कर चुकी है, जिनकी आराधना शंकर त्रिदेवा बैठ करके वैकुंठ में करते हैं, वह शक्ति उतरी हुई है, इसलिए उनके चरणों में शंकर भगवान जटाओं से अपनी धूरी ले रहे और नैनों से नैन मिले। ये होते हैं दर्शन दीदार करना, बस हो गया चले गए। अब विष्णु भगवान तो पहले ही हाजिर हैं, जिनके तन में बैठ करके लीला कर रहे हैं। विष्णु भगवान के तन का नाम कृष्ण है, ना कि पार ब्रह्म का नाम कृष्ण है। विचारिए नाम किसका रखा गया, बोलो भाई तन का रखा गया ना। यही चीज मैंने पहले कही थी कि हमारा तन का नाम है जो कुछ भी है, अब जो अंदर है उसका नाम कोई बहन बताए या भाई बताए कि क्या है। यदि हमारे अंदर जो बैठा है हम उसका नाम नहीं बता सकते, तो जो उस विष्णु भगवान के अंदर जिसने आके प्रवेश किया था उसका नाम नहीं होता है, वह नाम से परे की बात है। इसलिए उसको अक्षरातीत कहा, इसलिए उस पार ब्रह्म को शब्दातीत की उपमा दी जा सकती है कि वो यहां के शब्दों में वर्णन हो ही नहीं सकता है। कैसे, जिनके पास देवी भागवत है, कल खोलिए, लक्ष्मी जी सात कल्पांत तपस्या करने का कारण क्या बनता है कि हमेशा वैकुंठ के अंदर आप विष्णु भगवान कभी भी तपस्या नहीं करते जब तक लक्ष्मी पास रहती है। दुनिया के भक्तों में संकट हरण करने के लिए लक्ष्मी जी को, भगवती को ही, जो भगवान की पोते अर्धांगनी है, उसी को संसार में भेजा जाता है। और इसलिए आज जो है देवी के जागरण, भगवती के जागरण और जगह जगह पर होते हैं, और दिवाली वाले दिन पूजन भी लक्ष्मी का होता है, क्योंकि हम दुनिया के लोग स्वार्थी धन के मतलब के हैं, उनकी होती है, विष्णु भगवान का कोई पूजन नहीं करता। अब उनको पूजन किसने करवाना, जिनको पता है कि मिथ्या माया के लिए पूजन करवाना यहां से नहीं निकलने देगा, तो वो कब पूजन करने के लिए बैठते हैं, जब लक्ष्मी जी इधर मृत लोक में भक्तों की कृपा पर कृपा करने के लिए उतरते हैं, तब वो तपस्या में बैठते हैं। एक बार, अब कार्य के बिना तो कारण के बिना तो कार्य होता नहीं है, वो ध्यान में मगन थे, लक्ष्मी जी अपना काम करके वापस जब वैकुंठ गए तो क्या देखा कि विष्णु भगवान तपस्या कर रहे हैं। बड़े हैरान हो गए कि ये मेरे साथ भी आए दिन तक चीटिंग करते रहे, रोज मुझे ये कहते थे कि हे लक्ष्मी मेरे और तेरे बिना और कोई परमात्मा है ही नहीं, हम ही सृष्टि के पालन करने वाले हैं, तो फिर ये किसकी तपस्या करते हैं। कहने लगे अच्छा आज अभी पहले इसका जवाब मांगूंगी, तब और कोई काम करूंगी। आसन लगा के वहां बैठ गई। ये देवी भागवत चौथा स्कंद आपको सुना रहा हूं, जिन्होंने पढ़ना हो जाके सुबह खोल के पढ़े। देवी भागवत, श्रीमद् भागवत का प्रसंग नहीं है, ये देवी भागवत का है। थोड़ी देर के बाद विष्णु भगवान जी की सुरता वापस जब आई तो देखा कि लक्ष्मी सामने बैठी, आखिर वो भी सृष्टि के नाथ है, समझ गए भाई आज रगड़ पट्टी हो गई। अभी सोच ही रहे थे तो लक्ष्मी जी हाथ जोड़ के चरणों में पगे लागी, दंडवत प्रणाम किया, प्रभु। अब विष्णु भगवान भी अंदर से सोचते हैं क्या मुसीबत पड़ेगी, कुछ ना कुछ। कहने के प्रभु इतना बता दो, मैं आपकी अर्धांगनी हूं, आप मेरे प्रभु हैं, मेरे पति हैं, मेरे स्वामी हैं, मेरे से ही झूठ बोलते रहे आए दिन तक। विष्णु भगवान कहते लक्ष्मी संभाल के बात कर, प्रभु आप सदा कहते थे कि मेरे और तेरे सिवाय कोई परमात्मा नहीं, तो फिर यदि कोई और परमात्मा नहीं है तो आप आराधना किसकी कर रहे थे। कहने लगे सुन, मैंने यही तो कहता था कि तेरे और मेरे सिवाय इस दुनिया का कोई और पालन करने वाला
नहीं है, मैं वो आज भी कह रहा हूं। मैंने ये तो कभी नहीं कहा था कि मेरा परमात्मा और नहीं। आज तुझे पता चल गया है सो ठीक है। तो कहने लगे, आज लक्ष्मी जी क्या कहते हैं, आज पता चला कि जब सृष्टि की रचना होती है तो आप बनते हो, और जब तक सृष्टि लाखों वर्षों तक खड़ी है आप तब तक बने रहते हो, और मुझे हर युग पर पृथ्वी पे जाके जन्म लेना पड़ता है। कृपया मुझे भी वो ज्ञान बता दो ताकि मैं भी जन्म और मरण से मुक्त हो जाऊं। अब सुनो जवाब। विष्णु भगवान कहते हैं, लक्ष्मी यदि मेरे पर विश्वास है और मुझे भगवान भी मानती है तो ये मान जा कि हम सुरता से ध्यान हमारा पराशक्ति में चला जाता है, पर हम वर्णन कर सकते नहीं। कहने लगे क्यों? क्योंकि जब तक पराशक्ति दुनिया में नहीं आ जाती तब तक उसका वर्णन कोई जिभ्या हिल नहीं सकेगी। ये पराशक्ति के अंदर ही शक्ति है कि उसके द्वारा ही जो जिसको वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा वही उसका वर्णन कर सकता है। अभी हम नहीं कर सकते, कल युग में वो प्रकट हो। कह दिया। कहने लगे अच्छा, आप तपस्या करके उनको पा सकते हो और मैं नहीं पा सकती, मैं भी तपस्या करती हूं। अच्छा, शुभ कार्य में देरी नहीं कर, जा तपस्या कर। साथियों उठाओ देवी भागवत, सात कल्पांत। हम तो एक दो घंटे के लिए बैठे हैं ना, और उसमें भी कई सज्जन सोच रहे हो किसी को टाइम दिया हुआ है, भाई हो गया, अच्छा जी कृपा करना मैं जा रहा हूं। लक्ष्मी जी इस ज्ञान सुनने के लिए जो आज उनके आ जाने की कृपा के बाद हम और आप सुन रहे हैं। सात कल्पांत कितना पीरियड होता है? हजार बार सतयुग, हजार टाइम कलयुग, हजार बार द्वापर युग, हजार बार त्रेता युग बीते तो एक कल्पांत व्यतीत होता है। लक्ष्मी जी सात कल्पांत तपस्या करती रही पर विष्णु भगवान एक शब्द भी परब्रह्म के बारे में बता सके नहीं, क्योंकि ज्ञान नहीं था भाई। वो करते क्या, कहां से लाके बताते? जिसको वेदों ने कह दिया कि ज्ञान सुदी तारतम ज्ञान पराशक्ति, इधर गीता में कह दिया नहीं आ जाती तब तक कोई पार ब्रह्म का वर्णन कर सकेगा नहीं। तब लक्ष्मी जी ने तांडव का रूप धारण करके अग्नि बरसानी शुरू कर दी। त्राही त्राही मान होकर के सारे जगत के प्राणी सब देवी देवतों को पुकारने लगे। तब देवी देव मिलकर के जगत पिता ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी और शंकर भगवान मिलकर के विष्णु भगवान से जाके प्रार्थना करते हैं। ये सारा ज्ञान या वो अमर कथा का ज्ञान जो मेरे साथी बिल्कुल क्लियर कट क्लैरिफाई करना चाहते हो, बुक स्टॉल पे आपको महेश्वर तंत्र मिल सकता है। यू कैन एंड स्टडी। तब क्या होता है, ध्यान दीजिए। विष्णु भगवान जी उठते हैं और लक्ष्मी जी के चरणों में जाके दंडवत प्रणाम किया और कहा कि हे लक्ष्मी, आज से सात कल्पांत पूर्व ये ज्ञान हमें भी अक्षर ब्रह्म ने नहीं दिया था, अब उनके हुक्म से सूचना मिली है कि वो पार ब्रह्म दुनिया में आने वाले हैं, तो मैं उनकी खातर जाकर, ध्यान देना 28वें द्वापर में ये लिखा है, उसमें पेज नंबर 20 के ऊपर 21 और 20 नंबर पेज खड़े खड़े महेश्वर तंत्र का पढ़ लेना, यदि परचेज करने की ना इच्छा हो तो पता लग जाएगा। मैं ये याति वंश में जाकर जन्म लूंगा और वहां मेरे तन का नाम कृष्ण रखा जाएगा। मेरे तन में वो आकर के प्रवेश करेंगे और अपनी आत्मा को मिथ्या जगत की लीला दिखाएंगे। साथियों वो ब्रज का प्रसंग आपको बता रहा हूं श्रीमद् भागवत से।
अब वो आत्माएं जानती हैं कि इस तन के अंदर कौन है, या वो परमात्मा जो अंदर आके प्रवेश किया है वो जानता है कि किसके तन में मेरी आत्मा बैठी है।